एक ऐसी एक्सेल ट्रिक जिसके थ्रू आप कमा सकते हैं महीने का 26,000 रुपए एज अ सेकंड सैलरी या दूसरी इनकम। अब ये काम कैसे होगा, आपको ये बिना कंपटीशन के कैसे मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही एक्सेल ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप कमा सकते हैं 1300 रुपए और वो भी सिर्फ 2 घंटे के काम में। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर हजारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, जॉबलेस हैं, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एक स्टूडेंट हैं, तो दिन में 1 से 2 घंटा निकालकर ये काम कर सकते हैं और महीने का कमा सकते हैं 26,000 रुपए एज अ सेकेंड सैलरी या दूसरी इनकम। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक ऑन एक्सेल फ्रीलांसिंग मिल सकती है जो कि 1500 रुपए की है, बिल्कुल फ्री। इससे आपको फ्रीलांसिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पेमेंट प्रूफ, ताकि आपको क्लियरली पता चलेगी कि कितना लोग पैसा इसमें बना रहे हैं, कितना लोग पैसा इससे कमा रहे हैं। सेकेंड, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक्सेल की नॉलेज है या नहीं है, फिर भी ये काम आप कैसे कर पाएंगे। और थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये काम आपको बिना किसी कॉम्पिटिशन के कैसे मिलेगा। तो पेमेंट प्रूफ देखने के लिए हम लोग आए Fiverr.com पे। यहां पर मैं आपको एक गिग दिखाना चाहता हूं। ये लिखते हैं दैट आई विल क्रिएट कस्टम एक्सेल स्प्रेडशीट विद फॉर्मूलाज, मैक्रोज एंड डैशबोर्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो ये काम करते हैं फॉर्मूलाज लिखने का, कस्टम शीट क्रिएट करने का, और सिमिलर काम हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि इसी एक्सरसाइज फाइल मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से डाउनलोड करके आप इसको इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, ऑलरेडी इनके 682 रिव्यूज है, वो भी 4.9। आप समझ रहे हैं, सैकड़ों में ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये सिर्फ एक गिग है। ऐसे कई सारे फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब हजारों में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। दूसरा, अगर हम देखें कितना चार्ज करते हैं, तो बेसिक काम का जो सिंपल टास्क है उसका ये चार्ज करते हैं करीबन 1300 रुपए, जिसके अंदर ये फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज लिखते हैं। अगर हम बात करें इनके स्टैंडर्ड पैकेज की, तो ये रेट पहुंच जाता है 4300 के आसपास, और प्रीमियम में ये रेट पहुंच जाता है 10,000 से ज्यादा। मैं इस वीडियो में जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है लेकर चल रहा हूं, जो कि बेसिक काम का है, जिसमें आप 1300 रुपए कमा सकते हो सिर्फ 1 घंटे के काम के, वो चीज हम यहां पर सीखने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स। जब आप खुद करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इतना अर्न करने के लिए। चलिए, अब सेकेंड पार्ट हम लोग समझते हैं कि ये काम आप कैसे करोगे। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, आपको एक्सेल फाइल ऑलरेडी मैंने दे दी है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझते हैं ये काम एग्जैक्टली है क्या। अब ये काम समझने के लिए हमें ये एक्सेल फाइल देखनी पड़ेगी और रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी अपने क्लाइंट की। क्लाइंट ये काम हमें क्यों दे रहा है, और इसमें हमारा कितना टाइम लगेगा, और क्या नॉलेज एक्सेल की हमें इसके अंदर लगने वाली। अब क्लाइंट सपोज वो बिलोंग करते हैं HR डिपार्टमेंट से, या अपने एम्प्लॉइज की जो लीव्स हैं या अटेंडेंस है वो मैनेज करने के लिए उनको एक फ्रीलांसर की रिक्वायरमेंट है, जो ये प्रोजेक्ट उन्होंने अपलोड किया है। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि उनके पास एम्प्लॉय IDs हैं, और अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके नेम्स यहां पर गिवन है। अगर देखें तो करीबन 800 एम्प्लॉयज का डेटा है, 800 एम्प्लॉयज का। अब यहां पर नाम गिवन है, उनकी आईडी गिवन है, उन्होंने कितनी छुट्टियां ली हैं, कितनी लीव्स, पर्सनल लीव्स ली हैं, वो भी गिवन है। इनको निकालना है एक्चुअल वर्किंग डेज फॉर ईच एम्प्लॉय। अभी निकालने का पर्पस उनका ये है ताकि वो बाद में परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सके और ये समझ सके कि कौन सा एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, एंड अकॉर्डिंगली वो अपने बोनसेस एम्प्लॉयज को दे सके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि यहां पर लिस्ट ऑफ हॉलीडेज भी गिवन, पूरे साल में जो कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलती हैं, लीव्स मिलती हैं, वो यहां पर गिवन है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लीव्स देखूं तो करीबन 26 लीव्स यहां पर हैं जो कि कंपनी उनको देती है। उसके अलावा लोगों ने जो लीव्स ली हैं कि बीमार पड़ गए या XYZ कोई काम पड़ गया, कहीं चले गए, तो उन सारी लीव्स यहां पर मेंशन है। और वो कैलकुलेट करना चाहता है कि एक्चुअल में एक एम्प्लॉई ने कितने दिन काम किया है ये छुट्टियां हटा, ताकि वो बाकी कैलकुलेशन अपने एंड पर कर सके। ये पर्पस है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है, नीड क्लाइंट की समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो फॉर दैट हार्ड वर्क प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके,
चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअल वर्किंग डेज हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले राइट साइड में आप देखिए कि ईयर स्टार्ट डेट लिखी है। जो ईयर हमारा स्टार्ट हुआ था 2022 फर्स्ट जनवरी 2022 था और लास्ट डेट था 31st December 2022। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने थे? अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यही ट्रिक है जिसके थ्रू आप ये काम करेंगे। मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूलाज नहीं पता होते, इस वीडियो के थ्रू आपको ये नॉलेज मिलने वाले। और ये फॉर्मूला है networkdays.intl। इसमें दो फॉर्मूलाज हैं, नेटवर्क डेज एंड networkdays.intl। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जो भी मैं आगे बताता हूं। ये फॉर्मूला ओपन करने के लिए हम प्रेस करेंगे टैब, तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब नीचे आप सिंटेक्स देखिए, वो क्या क्या चीजें आपसे मांग रहा है। वो सबसे पहले मांगता है स्टार्ट डेट, उसके बाद मांगता है एंड डेट, उसके बाद वीकेंड क्या है और हॉलीडेज कितने हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये। स्टार्ट डेट हमारी हो गई जो ईयर का स्टार्टिंग डेट है, व्हिच इज 1st of January 2022, पहली तारीख वो हो गई। अब ये कैलकुलेट करेगा कि टोटल एक साल में कितने वर्किंग डेज हैं। 365 वर्किंग डेज नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर जो छुट्टियां हैं वो भी हमें हटानी है, और साथ में जो सैटरडे संडे की ऑफ हर हफ्ते होती है वो भी हमें हटानी। तो इसीलिए कैलकुलेट करना जरूरी है। जब हम ये टोटल नंबर वर्किंग डेज कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हर एम्प्लॉय की जो लीव्स हैं उनकी पर्सनल हटाएंगे तो उनके एक्चुअल वर्किंग डेज निकल आएंगे। इसलिए ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने डाल दिया स्टार्ट डेट, उसके बाद डाला हमने एंड डेट। एंड डेट क्या हो गई? हमारी जो लास्ट डेट है ऑफ दिस ईयर 2022, क्लियर? कॉमा, उसके बाद जैसे आप कॉमा प्रेस करते हो तो पूछता है वीकेंड्स, क्लियर? वीकेंड्स। अब वीकेंड क्या है आपकी कंपनी में वो डिपेंड करता है। जैसे इस क्लाइंट की कंपनी में जो वीकेंड था वो सैटरडे संडे ऑफ थी। हो सकता है कहीं पे सिर्फ सैटरडे ऑफ हो सकता है कहीं पे संडे ऑफ हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर डे ऑफ हो। ये पूरी लिस्ट यहां पर गिवन है जहां से आप चूज कर सकते हो। That's the best part about this form. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्शन दे देंगे टैब करके, या आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये सिलेक्शन में आ जाए। कॉमा, उसके बाद बात होती है हॉलीडेज की, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं वो ऑप्शनल होता है। अगर आपको इसको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, बट हमारे केस में ये सारा डेटा अवेलेबल है तो हम उसको सिलेक्शन दे देंगे। तो कॉमा, हॉलीडेज के लिए हम यहाँ पर आए, और जितने भी हॉलीडेज की डेट्स हैं, नॉट द नेम माई फ्रेंड, ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। तो जितनी भी डेट्स हैं हम उसको सिलेक्शन में ले आएंगे लाइक दिस। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या करेगा, 365 दिन में से उसने पहले तो वो 26 दिन हटाए, उसके अलावा पूरे 365 दिन में जितने भी सैटरडे संडेज पड़े वो सारे हटा दी। तो एक्चुअली अगर टेक्निकली इनका कोई भी एम्प्लॉय जो कि कोई भी पर्सनल लीव नहीं लेता, उन्होंने काम किया होगा 245 दिन 2022 के अंदर, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? वी आर ह्यूमन, तो कभी बीमार पड़ते हैं, कहीं जाना पड़ता है, कभी कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इनकी पर्सनल लीव अब हमें उसमें से हटानी है। मजा आ रहा है? अगर आपको एक्सेल नॉलेज नहीं है, देन आई एम आल्सो श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर? अब इक्वल टू प्रेस किया और टोटल वर्किंग डेज हमारे हैं ये वाले 245। अब चाहें तो हम ये लिख भी सकते हैं 245 माइनस ये जो लीव्स हैं वो कर सकते हैं, बट स्टैटिक काम हमें नहीं करना चाहिए। कल को ये वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन चेंज होनी चाहिए। ये हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए जब भी हम एक्सेल को यूज करें, ऑलराइट? और यहां पर हम इसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इस वीडियो में, बट यहां पर हमने इसको फ्रीज कर दिया। माइनस, फ्रीज करने का मतलब डॉलर साइन, और इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं F4, फंक्शन F4 की। माइनस पर्सनल लीव यहां पे क्लिक कर दिया, एंटर किया, तो आप देखेंगे 243 लीव्स हमारे पास आ गई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। अब मुझे अगर सारे 800 एम्प्लॉयज की हमें डेटा चाहिए तो राइट बॉटम कॉर्नर पे जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो मैजिक यहां पर हो जाता है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमारे पास आ जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्सेल। और यही रिक्वायरमेंट के लिए क्लाइंट हमारे पास आया, जिसके इस क्लाइंट ने हमें पे किए 1300 रुपये। अगर आप ये ट्राई करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बोला 1300 रुपये आप कमा सकते हो एक घंटे का काम। तो यहां तक अगर चीजें क्लियर हुई, समझ में आई, तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बात होती है सिर्फ आपके करियर ग्रोथ की, इंफॉर्मेशन की, ऐसी नॉलेज की जो आपको सेकंड सैलरी अर्न करने में हेल्प करता है, आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करता है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।
तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि पेमेंट प्रूफ क्या है और दूसरा आप काम ये कैसे करेंगे। थर्ड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये काम बिना किसी कंपटीशन के कैसे मिलेगा, क्योंकि fiverr.com, upwork.com, freelancer.com ये सारी वेबसाइट पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट स्टिल जाकर अपना प्रोफाइल जरूर बनाइए, हो सकता है आपको काम मिल जाए। ऑलराइट, अदरवाइज देयर आर टू प्लेटफॉर्म जहां से आप काम ले सकते हैं बिना किसी कॉम्पिटिशन के। पहला है teacheron.com, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप इसके असाइनमेंट सेक्शन में जाते हैं तो कुछ क्वाइंस स्पेंड करके आपको लीड्स मिलती हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने बहुत काम यहां से लिया है बिना किसी कंपटीशन के और बाहर के लोगों से बहुत काम मिलता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, वो तब जब आपको कोई कॉइन स्पेंड नहीं करना और जीरो इन्वेस्टमेंट से अगर आपको स्टार्ट करना है तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स को टारगेट करिए, उनको मैसेज करिए और अपनी कैपेबिलिटी बताइए कि आप एक्सेल के अंदर ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मुझे बताइए और मैं आपका ये काम करके दूंगा मिनिमल अमाउंट। अब हम देख लेते हैं ये मनी टेबल कि अगर आप कितना काम करते हैं तो कितना आप अर्न कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सेल ट्रिक के थ्रू। तो अगर आप ऐसा पार्ट टाइमर काम करते हैं और हर 2 घंटे के चार्ज करते हैं 1300 रुपये, तो इन दैट केस आप 6 घंटा अगर वीकडेज में काम करते हैं डेली 1 घंटा और वीकेंड पे काम करते हैं 4 घंटे, मतलब टोटल वीक में काम करते हैं 10 घंटे, तो उसके हिसाब से आप 6500 रुपये कमा सकते हैं और महीने का कमा सकते हैं 26000 रुपए तक। दैट्स अ कैलकुलेशन, थोड़े सा हार्ड वर्क जरूर है यहां पर बट इनकम अच्छी है, आप अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी कर सकते हैं इस अमाउंट से। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना जितना भी खर्चा है आप अपने आप उठा सकते हैं बिना अपने पेरेंट्स को रीच किए हुए। दैट्स द बेस्ट पार्ट, और लर्निंग के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। साथ ही में आई नो आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे माइंड में कि सर अकाउंट कैसे बनाएं, पेमेंट कैसे लें, अकाउंट डिटेल्स कैसे दें, क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर होता है, कैसे क्लाइंट को अप्रोच किया जाता है, क्या ईमेल लिखी जाती है, कैसे नेगोशिएट कर किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन के डिटेल में आंसर करने के लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूँ। इस फ्री मास्टर क्लास में मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हैं और साथ में कुछ और सैंपल प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाऊंगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, एक ऑनलाइन मास्टर क्लास है, जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे वहां मिल सकते हैं और ये सारी चीजें डिटेल में समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे आप सेकंड सैलरी या दूसरी इनकम अर्न कर पाएंगे। और साथ ही मैं इसको ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं वर्थ ₹1500 जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ईबुक है ऑन एक्सेल फ्रीलांसिंग, आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। सो डोंट वेट, क्लिक ऑन द लिंक, ज्वाइन दिस फ्री मास्टर क्लास ताकि आप मुझे वहां पर मिल सके और कोई भी क्वेश्चन है आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं, सो हरी अप, क्लिक नाउ।